बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ एक बार फिर बड़े पर्दे पर अपना एक्शन अवतार दिखाने के लिए तैयार हैं। एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म बागी 4 काफ़ी चर्चा में बनी हुई है और फैंस टाइगर श्रॉफ की इस अपकमिंग फिल्म का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बागी फ्रेंचाइज की चौथी फिल्म यानी कि बागी 4 एक काफ़ी बड़ी एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है और अब टाइगर श्रॉफ की इस मच अवेटेड फिल्म को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक खबर सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। इसमें कहा जा रहा है टाइगर श्रॉफ की बागी 4 को डायरेक्ट करने को कोई भी डायरेक्टर तैयार नहीं हो रहा है। आपको बताना चाहेंगे बागी 2 और बागी 3 को अहमद खान ने डायरेक्ट किया था, लेकिन इस बार अहमद खान बागी 4 को डायरेक्ट करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वह अपनी अपकमिंग मूवी वेलकम टू द जंगल के शूटिंग में व्यस्त हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस फिल्म को अब सिद्धार्थ आनंद से डायरेक्ट करवाया जाएगा और दोस्तों यह खबर कितनी झूठ है और कितनी सच, इस पर कोई भी ऑफिशियल अपडेट सामने निकल कर नहीं आया है। लेकिन अगर वाकई में ऐसा होता है कि बागी 4 को अगर सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करते हैं तो 100% यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा कर रख देगी और दोस्तों टाइगर श्रॉफ का इस फिल्म से काफ़ी बड़ा कमबैक भी हो जाएगा। और वहीं दोस्तों बताया जा रहा है टाइगर श्रॉफ के साथ लीड एक्ट्रेस के रूप में कटरीना कैफ देखने को मिल सकती है और मेकर की तरफ से यह तो अनाउंसमेंट हो ही चुका है कि यह फिल्म हमें 2025 में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आप सभी को ये रिपोर्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।